तैयारी हो चुकी है। मैं देख सकती हूँ जो हमारी महिला जवान है वो हाथों में झंडा लेकर खड़ी हो चुकी है और वही सबसे आगे खड़ी होकर इस परेड की शुरुआत करेंगी। और पीछे भी मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि देखिए जो तैयारी है वो वहाँ भी है, जो डॉग्स हैं बीएसएफ के जो डॉग्स होते हैं उन्हें ले आया गया है। यानी कि ये औपचारिक शुरुआत एक तौर से होती है, मनजोत से और समझ लेते हैं कैसे इसकी शुरुआत होती है परेड की। देखिए आप देखिए ये शुरुआत हो चुकी है, झंडा लेकर जो महिला जवान है वो आ चुकी है। मनजोत जरा इस पूरे प्रोसेस को समझाइए कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, इजाजत ली जाती है, इसके बाद क्या होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेजेस हैं और जो सभ्याचार या कल्चर ग्रुप होते हैं ना वो पहले परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अभी जो परेड के लिए जवान आएंगे, जो महिलाएं पहले पहुंची हैं, फ्लैग जो लहरा रही है, इसका मतलब ये है कि अब परेड शुरू होने वाली है, फाइनल स्टेज पे है। सबसे दो जवान वहां से आएंगे क्योंकि अब जो भी रेडी है कम से कम 6 से 6.5 फुट हाइट के जो बीएसएफ के फ्रंटियर के जवान है अभी आके यहाँ पर रूटीन करेंगे और परेड करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से बीएसएफ भारत के जो जवान है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स के जवान है, दोनों एक दूसरे को हूटिंग करेंगे, गेट तक पहुंचेंगे, गेट तक पहुंचने के बाद फिर वो वापस। और मनजोत एक बात मैं और देख रहा हूँ कि आप देखिए जो अभी मनजोत कह रहे थे महिलाएं सबसे आगे दिख रही है। मनजोत मनोज आप ये तस्वीर दिखाइए, महिलाएं ये आयुषी जो तस्वीर है नारी शक्ति की तस्वीर देखिए सबसे आगे दिख रही है। बिल्कुल नारी शक्ति महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई हमारी ये महिला जवान। और आपने देखा होगा इससे पहले की जब परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई थी उसमें भी पूरी टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था, एक महिला उसका नेतृत्व कर रही थी। तो ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि आज हमारे विकसित देश में जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे देश की महिलाएं भी आगे बढ़ती जा रही है, कंधे से कंधा मिलाकर वो हर परिस्थिति में सबके साथ खड़ी है। और आप देखिए जो महिला टीम है इस वक्त जो शुरुआत है प्रोग्राम की वो कर रही है, एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में अब पीछे नहीं रहने वाली है। बिल्कुल महिलाएं पीछे नहीं रहने वाली हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हमने सबको जगह दी है और जो नारी शक्ति है उसको अग्रिम पंक्ति में जगह दी है, ये हमारी मान्यताओं की ताकत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।